एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए दिया हुआ है। एक्स टू द पावर फोर प्लस वन बाई एक्स टू द पावर फोर का वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं, एक्स टू द पावर फोर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ये हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का वैल्यू हुआ एक्स स्क्वायर और बी का वैल्यू हुआ वन बाई एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है। तो टू ए के जगह पे एक्स स्क्वायर और बी के जगह पे वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू इतना हुआ। अब ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम फिर लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, और फिर ये होल स्क्वायर है तो फिर हम ये होल स्क्वायर दे देंगे और ये माइनस टू। ठीक है, अब एक्स से एक्स ये कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू दिया हुआ है ए, तो ए स्क्वायर माइनस टू, अब ये इसका ये होल स्क्वायर और ये माइनस टू हो जाएगा। अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस टू। अब यहाँ पे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो ए टू दी पावर टू टू जा फोर हो जाएगा माइनस ये टू टू जा फोर ए स्क्वायर और प्लस टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा और ये माइनस टू हो जाएगा। अब ए टू दी पावर फोर माइनस फोर ए स्क्वायर और प्लस फोर माइनस टू का कैलकुलेशन करेंगे तो प्लस टू हो जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू निकल गया।